अशरफ भाई, ये शहाबुद्दीन साहब हैं कौन? अरे आमा, पीर शहाबुद्दीन साहब बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, बहुत नेक इंसान है। जारा का इलाज भी वही कर रहे हैं। मुझे तो लगता है राशिद को कोई डॉक्टरी मसला है। अशरफ भाई, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दे मेरे बच्चे को। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा फौरन ठीक हो जाए। राशिद बता तो रहा है कि वो डॉक्टर के पास गया था, टेस्ट भी कराए, लेकिन कुछ निकला ही नहीं। मुझे तो लगता है ये काले जादू का असर है। आप कहें तो मैं पीर शहाबुद्दीन साहब से बात करूं, उन्हें लेकर आऊं। अरे शहाबुद्दीन साहब बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, यकीन जानिए जारा की हालत भी उन्हीं की वजह से बहुत संभली है। मोमानी, अगर राशिद उनके पास नहीं जा सकता, पीर साहब तो हमारे घर आ सकते हैं ना। अब्बू, आप प्लीज पीर साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो हमारे घर आके राशिद को देखें, जैसे वो जारा को देखने आते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि पीर साहब हमारे घर आएंगे ना, तो राशिद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो यहाँ कैसे आएंगे? वो नहीं आएंगे। क्यों अशरफ भाई? अरे क्यों नहीं सुरैया, क्यों नहीं आएंगे? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं मेरी। मैं कहूंगा तो जरूर आएंगे। कब लेके आऊं उन्हें? मैंने निमरा का बंदोबस्त तो कर दिया, मगर अब ये पीर साहब जो आ रहे हैं, इनसे कैसे बचूं? सुबह से यही सोच सोच के दम निकला जा रहा है मेरा। कैसे बचूं पीर साहब से? निम्रा, जी मोमानी, जाओ देखो बाहर कौन आया है। मैं देख? तुमसे कहा है तो तुम ही जाओगी ना। जाओ देखो कौन है बाहर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ये आपके साहबजादी हैं? जी शाह साहब, सलाम का जवाब दीजिए। वालेकुम सलाम। आइए। इस तरह नहीं, बेटियों के सर पर हाथ रखकर दुआ दी जाती है। जीती रहो आइए। शाहजी क्या हुआ, रुक क्यों गए? आइए ना।
राशिद, उठो, बाहर शाहजी आए हैं। शाह साहब आए हैं तो? राशिद बेटा। जी अब्बू आ जाइए। आइए शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। Thank you.